सिपा समाज का 8वां विवाह सम्मेलन संपन्न हुआ। विवाह सम्मेलन में प्रदेश सहित राजस्थान गुजरात के जोड़ों ने भी भाग लिया। मुस्लिम छिपा समाज का 8वां विवाह सम्मेलन भेरूगढ़ स्थित मगर गार्डन में संपन्न हुआ, जिसमें लगभग 30 से ज्यादा जोड़ों का निकाह छिपा समाज के लोगों द्वारा कराया गया। इस विवाह सम्मेलन में आसपास ही नहीं बल्कि गुजरात राजस्थान तक के जोड़ों का निकाह कराया गया, जिसमें बड़ी संख्या में समाज जन एकत्रित हुए। मुख्य अतिथि के रूप में जेल अधीक्षक अलका सोनकर, शहर काजी खलीकुर रहमान व जनाब शाहिद साहब रंगवाला, जनाब हाजी मोहम्मद हनीफ खेड़ावाला, क्षेत्रीय पार्षद संजय कोरट, हाजी मकसूद मोहम्मद इमरान साहब आदि उपस्थित रहे। सम्मेलन के संयोजक अयुब कप्तान रलायता वाला बबलू भाई थे। उज्जैन से ललित मेहरा की रिपोर्ट। इज्तिमाई समाज द्वारा जो है यहाँ पर 8वां सामूहिक विवाह का कार्यक्रम छिपा समाज के द्वारा किया गया है। एक अपने आप में बहुत ही अभूतपूर्व कार्यक्रम है जिसमें आज मैं शामिल हुई थी, और इस कार्यक्रम में 30 जोड़ों का निकाह आज यहाँ पर हुआ है। और एक सौहार्द भाईचारे की जो भावना आज इस जगह पर मुझे देखने को मिली है वो बहुत ही प्रशंसनीय है। ये भेरूगढ़ छिपा जमात का सामूहिक सम्मेलन आयोजित किया गया है और ये 8वां छिपा जमात सम्मेलन है। इससे पहले 7 सम्मेलन हो चुके हैं। इस सम्मेलन में करीब 30 जोड़े हमने शादी के लिए हैं। यहाँ पे कम से कम 6 से 7 हज़ार पब्लिक यहाँ पे मौजूद है अभी। कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुक्म था उसकी पाबंदी की है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को भी ज़िंदा किया हैगा, एक बड़ी चीज़ तो ये हैगी। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ एक और भी कि इन्होंने उसके साथ साथ उन लोगों को बेतुके खर्चों से बचाया है जो खर्च लोग बेतुके तरीके से किया करते हैं और एक दूसरे को देख करके बेजा अखराजात करते हैं जो अननेसेसरी हुआ करते हैं, ऐसे अखराजात से बचाया है। इस वजह से काबिल मुबारकबाद हैं और सारी बच्चियाँ एक जैसी जाएंगी, कोई बच्ची के साथ अलग से कोई चीज़ नहीं होगी फितरी अंदाज में कि इसको अलायदा कोई चीज़ दी गई हो या अलग से कोई खर्च किया गया हो। इस वजह से ये सबसे बड़ी चीज़ है। और 30 जोड़ों का निकाह होना, 30 जोड़ों की शादियाँ होना।